झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की शादी को 18 साल हो गए हैं। बुधवार को सालगिरह पर संभवतः पहली बार वो पत्नी कल्पना और परिवार के साथ नहीं है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी ने अपने पति के लिए कुछ स्पेशल ट्वीट किया। आपको बता दें, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की शादी को 18 साल हो गए हैं। बुधवार को सालगिरह पर संभवतः पहली बार वो पत्नी कल्पना और परिवार के साथ नहीं। कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तार किए जाने के बाद हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना ने इस मौके पर पति का साहस बनने की बात कही। उन्होंने कहा, वो योद्धा की पत्नी है और इसीलिए मुस्कुराते हुए संघर्ष में पति को शक्ति देंगी। इन दिनों पति का सोशल मीडिया अकाउंट संभाल रही कल्पना सोरेन ने बुधवार को हेमंत सोरेन के एक्स हैंडल पर एक खास संदेश लिखा। उन्होंने लिखा, झारखंड के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए हेमंत जी ने झुकना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने षड्यंत्र से लड़ना और उसे हराने के लिए अपने आप को समर्पित करना बेहतर समझा। आज हमारी शादी की 18वीं सालगिरह है, उस पर हेमंत जी परिवार के बीच नहीं है, बच्चों के साथ नहीं है। कल्पना ने आगे लिखा, विश्वास है वो इस षड्यंत्र को हरा विजेता बनकर हम सभी के साथ शीघ्र होंगे। मैं एक वीर झारखंडी योद्धा की जीवन साथी हूँ। आज के दिन मैं भावुक नहीं होंगी। हेमंत जी की तरह ही विषम परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए उनके साहस और संघर्ष की शक्ति बनूंगी। कल्पना ने पति के साथ एक तस्वीर साझा की जिसमें वो खाना पकाने की तैयारी करती दिखी। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी हेमंत और कल्पना सोरेन को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जाहिर की कि वो जल्द विजेता बनकर लौटेंगे। चंपाई ने लिखा, हेमंत बाबू और कल्पना बेटी को शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से आप दोनों के उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना करता हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जो समझौते की आसान राह की जगह संघर्ष का कठिन रास्ता चुनते हैं। मरांग गुरु से प्रार्थना है कि आप इस विषम परिस्थिति से पार पाकर एक विजेता की तरह हम सभी के बीच शीघ्र लौटें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।